हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर हेल्थ एडवाइजर शिखा और आप देख रहे हैं मिसर। जब भी डायबिटीज़ में फ्रूट्स के बारे में बात होती है तो इस पर लोगों के अलग अलग व्यूज आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डायबिटीज़ में फ्रूट्स खाने ही नहीं चाहिए क्योंकि वे मीठे होते हैं और उनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि आप कितनी भी मात्रा में फ्रूट्स खा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस पर आपको बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यह बात करते हैं कि डायबिटीज़ में आपको किस तरह के फल खाने चाहिए, कितनी मात्रा में खाने चाहिए, किस समय पर खाना चाहिए और इन्हें खाने से आपको क्या फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इस जरूरी बात को समझिए कि डायबिटीज़ में आखिर किस फल को किस समय पर खाना चाहिए। डायबिटीज़ में जब आप किसी भी फल को खाते हैं तो आप उसे खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद खाइए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके शरीर का जो ब्लड शुगर लेवल है वह थोड़ी सा बढ़ जाता है। यदि हम हमारे शरीर का नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल देखें तो खाना खाने से पहले हमारे शरीर का जो शुगर लेवल है वह 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और खाना खाने के 2 घंटे बाद हमारे शरीर का जो शुगर लेवल है वह 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो जाता है। इसीलिए यदि आप खाना खाने के जस्ट पहले या बाद में फल को खाते हैं तो यह आपके शरीर के ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक ला सकता है। डायबिटीज में आपके लिए यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फलों को आपको कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि सभी तरह के फलों में लगभग सभी तरह के कार्ब्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और स्पेशली उनमें नेचुरल शुगर भी पाई जाती है। इसीलिए यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको 70 से 100 ग्राम फल खाना इनफ होता है और आपको एक बार में एक फल ही खाना चाहिए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस फल को भी आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक और बहुत ही जरूरी बात, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि फ्रूट जूस फ्रूट्स की तरह ही हेल्दी होते हैं, बट एक्चुअली में जब आप फलों से जूस बनाते हैं तो उस समय इसके कई तरह के जरूरी पोषक तत्व और फाइबर जो है वह वेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रूट जूस जो होते हैं वह आपके शरीर में तेजी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और ये आपके शरीर में शुगर सिरप या फिर सिर्फ चीनी का ही काम करते हैं। इसीलिए यदि आप डायबिटिक हैं तो फ्रूट जूस पीने की बजाय आप फलों को खाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए बात करते हैं 5 ऐसे फलों के बारे में जो कि डायबिटीज में अमृत माने जाते हैं। सेब को शुगर पेशेंट के लिए सबसे बेहतर फल माना जाता है और इसके बेहतर होने का एक कारण यह है इसमें मौजूद इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कि बहुत ही कम है। अब यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कितनी तेजी से ग्लूकोज या शुगर आपकी बॉडी में रिलीज होती है, और सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से यह आपके शरीर में कभी भी शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता है। इसीलिए आप इसे रोज खा सकते हैं। एक मीडियम साइज का सेब खाना डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। डायबिटीज में पपीता खाना भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पपाया एक ऐसा फल है जो कि मल्टी विटामिन है, मतलब इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग 1 कप पपाया में 11 ग्राम शुगर होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 होता है। इसीलिए डायबिटीज होने के बावजूद भी आप इसे खा सकते हैं। पपाया में एक चीज और बहुत ही अच्छी होती है जो होता है फाइबर। फाइबर आपके पाचन को आसान बनाता है और इसके साथ ही यह आपके वजन को भी बैलेंस करके रखता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रहे तो आपको स्ट्रॉबेरी जरूर खाना चाहिए। इसके पीछे एक रीजन है, ध्यान से सुनिए। स्ट्रॉबेरी में एक केमिकल पाया जाता है जिसे कि एंथोसाइनिन कहते हैं। यह एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्ट्रॉबेरी को कलर प्रदान करता है और जब आप इस फल को खाते हैं तो यह आपके शरीर में इंसुलिन और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, बल्कि उसे हमेशा मेंटेन करके रखता है। इसीलिए स्ट्रॉबेरी खाना ना सिर्फ डायबिटिक के लिए अच्छा होता है, बल्कि जिनको दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। डायबिटीज होने पर आपको 2 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, पहला थकान और दूसरा इन्फेक्शन। तो ऐसे में संतरा खाना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है, इसलिए जब आप इसे खाते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है और आपको कई तरह की बीमारियां और इन्फेक्शन नहीं होता है। इसके साथ ही यह आपके शरीर की थकान और लेजीनेस को भी दूर करने में मदद करता है। संतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है जो कि मॉडरेट है, इसीलिए आप रोज 2 से 3 मीडियम साइज के संतरे खा सकते हैं। एक मीडियम साइज के
एक कीवी में लगभग 6 ग्राम शुगर होती है। इसके साथ इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह भी 50 होता है। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट के लिए कीवी खाना एक बहुत ही अच्छा फल है। इसके साथ ही कीवी में फाइबर, पोटेशियम और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के इम्यून पावर को स्ट्रांग करते हैं, जो आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ने नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिस हर्ब साइनिंग ऑफ। जय हिंद।